हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को सिंगोनियम पिंक परफेक्शन में कटिंग कैसे लगाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आओ आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कटिंग कैसे लगाती हूँ। सिंगोनियम पिंक परफेक्शन पॉट पर है, अभी मैं ले आती हूँ। देखो इतना पूरा बड़ा हो गया है। ये रहा देखो सिंगोनियम पिंक परफेक्शन है ये। तो अभी मैं कटिंग करती हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कटिंग कैसे करती हूँ मैं। ये देखो, जो ये इस तरह से देखो साइज, तो इस तरह से काट देना। तो ये रहा, तो ऐसे करके काट देना। जो ये रोड होने के लिए ये है ना, तो उसको छोड़ कर ऊपर काट देना। इस तरह से मैंने चार टुकड़े कर लिया है, देखो। तो अभी मैं लगाऊंगी पॉली बैग पर। जो मेरे पास पॉट नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, पॉली बैग होने से भी जो कुछ मतलब जगह आपके पास है, तो कोई कोई बोतल पर भी लगा देती है। तो मेरे पास अभी पॉली बैग है, तो मैं पॉली बैग पर ही लगा देती हूँ। तो अभी लगाती हूँ मैं से अभी पॉली बैग, ये पॉली बैग पर ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी नर्सरी है। तो आप लोगों की जो भी कुछ खाली डिब्बा होने से भी मतलब पॉट है ना, इससे होने से भी जो जहाँ पर आपका पेच है वहाँ पर भी आप लगा सकती है। तो मेरी हेयर पॉली बैग, तो मैं यहाँ पर ही लगा देती हूँ। अभी मैं पिंक परफेक्शन को लगाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी और गोबर घर और ये बाली, तो मैं तीनों मिलाकर अभी लगाती हूँ। फिर मिक्स हो गया, तो मैं एक एक लेकर पॉली बैग को भरा देती हूँ। चार पॉली बैग मैंने रेडी कर लिया है, तो अभी मैं लगाती हूँ। तो ये रहा, और मिट्टी दे देना थोड़ा सा। Thank you.
लिया और एक ग्लास है इस मैंने कटिंग लगा दिया है। देखो देखो ये तो ऐसे ही मैं कटिंग मेरी नर्सरी ऐसे ही मैं कट करके मैं ऐसे ही लगाती रहती हूँ। देखो तो एक से कितना सारा हो गया, ये पूरा चार चार हो गया। तो मैं ऐसे ही काट करके मैं ज़्यादा करके लगा कर रखती हूँ मैं। तो ऐसे ही नर्सरी होता है, तो ऐसे ही काट करते करते मैं बहुत सारा हो जाता है। तो मैं ऐसे ही काटिंग करती हूँ घर पर। देखो मेरे नर्सरी की ये पिंक परफेक्शन, तो अब भी एक से चार हो गया। देखो तो आज के लिए वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। और जो मेरा नई फ्रेंड लोग देख रही है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बाय बाय, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।